बीएमसी पर रिश्वतखोरी को लेकर कॉमेडियन कपिल शर्मा के ट्वीट के बाद राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने कपिल को आड़े हाथ लिया है और इस मसले को लेकर कपिल के घर के बाहर प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर अगर कपिल शर्मा रिश्वत मांगने वाले अधिकारी का नाम नहीं बताते तो वे कपिल के घर के बाहर धरना देंगे। तो वहीं कपिल शर्मा के खिलाफ एमएनएस ने भी मोर्चा खोल दिया है। देर रात एमएनएस कार्यकर्ताओं ने कपिल के घर के बाहर नारेबाजी की। एमएनएस का आरोप है कि कपिल शर्मा ने अवैध काम को वैध कराने की कोशिश की। एमएनएस की मांग है कि कपिल शर्मा अपने शो पर माफी मांगे, नहीं तो मुंबई में शूटिंग नहीं करने दी जाएगी। वहीं विवाद बढ़ता देख कपिल शर्मा ने ट्वीट कर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने कुछ लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, बीजेपी एमएनएस और शिवसेना पर आरोप नहीं लगाया है। आपको बता दें कि कपिल शर्मा ने बीएमसी पर 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी को ट्वीट किया था, जिस पर राजनीतिक बवाल मच गया। अपने ट्वीट के बाद अब कपिल शर्मा खुद ही विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद कपिल शर्मा ने अब पुलिस से मदद मांगी है। देखते रहिए डीडीबी लाइव।